सुबह हो गई है और मैं डोनट्स बना रही हूँ इवान के लिए इस बॉटल कैप से और इससे काट के बना रही हूँ। ये भी फूल गए हैं देखो आप। Guys, welcome to a new vlog. स्वागत है आपका। आज कुछ स्पेशल नहीं है, आज एक नॉर्मल डे है मेरे लाइफ में। आज मैंने सोचा बस अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज करती हूँ और नॉर्मल डेली लाइफ में भी कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग हो ही जाता है मेरा, क्योंकि हमारे रोज कुछ ना कुछ पार्सल में सामान आता है। रोज मैं कुछ नया बनाने का सोचती हूँ इवान के लिए और रोज हम लोग बाहर जाते हैं कहीं ना कहीं। और बाय द वे आजकल कुछ कोविड केसेस निकल गए हैं शंघाई में, तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है अभी फिर से। I mean, हमको बाहर जाने दे रहे हैं लेकिन हमको रोज टेस्टिंग करानी पड़ रही है, तो यही एक नई अपडेट है यहाँ की। मैं नीचे जा रही हूँ, देखती हूँ आज क्या सामान आया है। थोड़ा सा मैं तैयार हुई हूँ वीडियो के लिए अभी, तो लेट्स गो गाइस। इतना अंधेरा क्यों है भाई? तो यहाँ पे कुछ सामान पड़ा हुआ है, आई थिंक इस पे कुछ नॉनवेज आइटम्स आए थे जो कि ओडिन ने सुबह ही निकाल लिए थैंकफुली। वो ऑफिस में है अभी। ये लिखा हुआ है पोमेग्रेनेट, यानी इसके अंदर अनार आए हैं, किसी ने तो भेजे हैं हमको। हेलो इवान, व्हाट्स अप, डिड यू हैव योर फूड, आर यू हंग्री? इवान लेट्स ओपन दिस। तो इवान को बोल दिया मैंने फ्रूट आया है लेकिन निकला एक वाईफाई राउटर। इट्स नॉट फ्रूट इवान, नो इट्स नॉट फ्रूट, आई एम सॉरी गाइस। देखो ये आया कल मुझे, लड़की है सोनाली नाम की, उसने मुझे ये फ्री में भेज दिया। वो मेरी फ्रेंड भी नहीं थी और मेरा ये ना गुम हो गया था जो मैं इंडिया से लेके आई थी। पड़ोसियों ने हमको एक महीने के कोटे का ग्रीन चिलीज और लीक्स दे दिए। देखो आप, मुझे लगता है 2 किलो ग्रीन चिलीज है, इनके गार्डन से ही है। अभी हम ये छोटे वाले पार्सल को खोलते हैं, मेरे ख्याल से मस्टर्ड सीड्स है इसमें। वो मैंने मंगाए थे क्योंकि मुझे मिर्ची का अचार बनाना था गाइस। गेस करो गाइस, मिर्ची का अचार बनाना मुझे इसलिए था क्योंकि मेरे पास इतनी सारी मिर्ची है ना, मैंने आपको दिखाया कि नेबर ने इतनी सारी मिर्चियां भेजी और हमारे जो पड़ोसी है उनके भी घर में इतनी मिर्चियां लगती है, हम खत्म ही नहीं कर पाते हैं, रोज तोड़ के लाते हैं। तो मैं उसका पूरा अचार बनाने वाली हूँ ताकि वो वेस्ट नहीं हो जाए। काटते काटते फट गया ये, येलो और ब्लैक मस्टर्ड का मिक्स आई है मेरे पास, इसका हम अचार बनाएंगे। 250 ग्राम आई है। तो अचार बनाने से पहले इवान को घुमा के ले आते हैं। मम्मा इज वेयरिंग अ मास्क इवान। इवान लेट्स गो। Yes. यहाँ पे कोई दिखता ही नहीं है बाहर, शाम के टाइम लोग बाहर निकलते हैं। What do you want? Do you want candy? Okay, candy. Okay, let's go. इवान को रोज रोज लॉलीपॉप का शौक चढ़ा है आजकल, तो यहाँ पे लाइक 10 रुपए की एक लॉलीपॉप मिलती है छोटी सी, वो ही इसको पसंद है। गाइज कोई नहीं है रोड पे, हार्डली कोई गाड़ियां हैं, तो यहाँ पे हम आराम से वॉक कर लेते हैं, मैं और इवान सुबह शाम, कभी ओडिन ले जाता है इसको कभी मैं। से कोई कार आती है साइड में चला जाता है और वेट करता है। इवान द कार इज गॉन, लेट्स गो। यस इट्स अ ब्लैक कार इवान, यू फाइंड एवरीथिंग क्यूट हां इवान। यस इट्स अ लाइट। तो हम हमारे सोसाइटी के सो कॉल्ड कन्वीनियंस स्टोर में जा रहे हैं, सो कॉल्ड क्योंकि लाइक आई डोंट नो ये 7-Eleven या दूसरे CVS के जैसा है, ये बस हमारे सोसाइटी की दुकान है। आई गेस इट इज अ कन्वीनियंस स्टोर। कन्वीनियंस स्टोर की डेफिनेशन क्या होती है गाइज मुझे बता दो। आई थिंक अगर ये यहाँ पे है तो हमको कन्वीनियंट है। दिस इज अ कैमरा इवान। यस देर आर कैमराज एवरीवेयर। यस इट्स अ कैमरा इवान, हाउ नाइस। हाँ लेट्स गो बर्डी। Oh, this is a drain, Ivan. What is? It's for water. It's a drain. A drain. Drain, yes. It's drain. Yes. Slowly, Ivan. Which candy do you want? तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में सारे चिप्स के पैकेट्स हैं और राइट साइड में सारे इंस्टेंट नूडल्स और रामेन्स के पैकेट्स हैं। तो ऐसे इन्होंने अरेंज करके रखा है इस छोटे से CVS में। ऑरेंज और रेड कलर मतलब कि बहुत स्पाइसी वाले हैं। और यहाँ पे सारे पोर्क के मील्स पड़े हुए हैं, यानी राइस के साथ पोर्क की कोई स्टर फ्राई वाली डिश है। और जो फूड आइटम है उसका डायग्राम बाहर बनाया हुआ है। कोक नो कोक, यू चूज ऑरेंज जूस दिस वन। ओके ये ले लिए हैं 2 सॉसेज, 3 लॉलीपॉप और 1 ऑरेंज जूस। स्ट्रॉबेरी लॉलीपॉप, स्ट्रॉबेरी लॉलीपॉप। तो गाइज आज हवा बहुत ही अच्छी चल रही है, मजा आ गया बाहर आके।
लाइक बहुत टाइम बाद। आपने देखा होगा मेरे लास्ट वीडियोस में हमेशा मुझे पसीने आते रहते हैं किचन में। अभी थोड़ा मौसम अच्छा हो गया है तो मैं ज्यादा व्लॉग्स बना सकती हूँ। होपफुली मैं लाइक हफ्ते में एक दो व्लॉग बना पाऊँ इस बार सर्दियों में। ठंड में इंसान काम कर सकता है लेकिन गर्मी में नहीं कर सकता। स्लोली इवान, ये देखो फर्स्ट टाइम मैं कोई अचार बना रही हूँ। मैंने लाइफ में कभी अचार बनाना अटेम्प्ट नहीं किया है, मम्मी बनाती थी बहुत। चलो देखते हैं आज चिल्ली का अचार कैसे बनता है। मैंने ऑनलाइन एक बहुत इजी रेसिपी देखी थी हरे मिर्च के अचार की और मुझे बहुत सुंदर लग रही थी, मैं वही बनाने वाली हूँ आज। देखो पहले धो देते हैं इसको, खराब होने को आइए। देखो आप अभी ना ये बहुत गीले हैं तो इनको सुखाना पड़ेगा। पेपर टॉवल में डाल देती हूँ। पूरी तरह तो सूखेंगी नहीं मुझे लगता है, जितना हो सकता है उतना सुखा देती हूँ मैं। ये सारे कट गए हैं और साफ भी कर दिए मैंने, खराब वाले निकाल दिए। तो चलो इसका अचार बनाते हैं। वान को सॉसेज खाने का मन कर रहा था तो मैंने दो सॉसेज उबाल दिए हैं, ये इसके पास लेके जाऊंगी मैं अभी। सॉसेज It's hot. I keep here, okay? तो अभी हम पीसेंगे ये, और मेरे पास एक ये ही क्लीन जार बचा है तो मैं ये यूज करने वाली हूँ। पता नहीं आएगी कि नहीं सारी मिर्चियाँ, काफी बड़ा जार है। आई थिंक ये जार परफेक्ट है साइज में। तो थोड़ा मोटा मोटा ही पीसना है, एकदम पाउडर नहीं बनाना है इसका। देखो आप कैसा पिस गया है, ये बहुत मीठी खुशबू आ रही है। आई वॉज एन एक्सपेक्टिंग दैट। आई थिंक इतना काफी है। तो अभी इसमें लिखा है सिर्फ मस्टर्ड सीड्स, ग्रीन चिलीज और नमक डाल के रखना है और कुछ भी नहीं ऐड करना है। तो मैं इसमें थोड़ा सा अपने अनुमान के हिसाब से नमक डाल रही हूँ, हमेशा अनुमान ही लगाती हूँ मैं। तो चलो उसको हम शेक करेंगे अभी। तो गाइस इसमें रेसिपी में लिखा था दो तीन दिन बाद ऑयल डालना है, टर्मरिक डालना है और लेमन जूस भी डालना है। तो वो सब दो तीन दिन बाद करना है, इसको धूप में रखते हैं। चलो तो यहाँ पे निकलती नहीं है, पता नहीं कैसे मैं धूप में रखूंगी इसको। हमेशा बारिश और हमेशा, देखो अब कैसा मौसम हो रहा है, हमेशा बादल और बारिश। रखूं इसको, ऐसे लग रहा है तूफान आने वाला है अभी। अचार मैं बनाने चली हूँ ऐसे तूफान में। सुंदर लग रहा है ना, कंट्रास्टिंग कलर्स, येलो के साथ ग्रीन, आई लाइक इट। मैं भी यहाँ पे रख देती हूँ ओडिन के प्लांट्स के साथ में। देखो कितने सुंदर बॉन्साई प्लांट्स है उसके, यही करता रहता पूरा दिन ये। गाइस अभी मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। लिटरली जब भी वीडियो बनाने का टाइम आता है मैं लाइक सोचती हूँ कि खाना वाना खाऊंगी, टाइम वेस्ट हो जाएगा, फिर शाम हो जाएगी, फिर वीडियो नहीं बना पाऊंगी अंधेरे में, तो मैं सुबह का खाना मिस ही कर लेती हूँ। तो चलो अभी एक शॉर्टकट करते हैं, खाना बनाने की जगह तप्पोकी बनाते हैं। याद है आपको कॉस्को वाला वीडियो कुछ टाइम पहले मैंने अपलोड किया था, तब तप्पोकी की सेल चल रही थी, 250 रुपीज में लाइक 1 or 2 kg मिल रहा था। तो चलो वही लेके बनाते हैं एक पैकेट। मैं बेसमेंट में जा रही हूँ, हमारा सबसे बड़ा रूम बेसमेंट ही है, जिम भी है हमारा, पियानो रूम भी है और बहुत कुछ है यहाँ पे। ये रहा हमारा तप्पोकी का बॉक्स, उसको खोल के एक पैकेट निकाल लेती हूँ। खूब सारे पैकेट आए हैं इसमें, दो तो हम खा चुके ऑलरेडी, इसमें चीज ऑलरेडी एडेड है और ये स्पाइसी है स्लाइटली विद अ लॉट ऑफ चीज। रेसिपी पूरी चाइनीज में लिखी है बट ये कोरियन है जहाँ तक मुझे समझ रहा है। पहले पानी डालो, उसमें राइस केक्स डाल दो, उसके बाद उसमें सॉस का मिक्सचर डाल दो, उसके बाद पकाओ। तो बहुत इजी है, आई थिंक इसमें लिखा है 3 मिनट्स पकाओ, 100 ml पानी डालो। इंस्टेंट तप्पोकी, कैसे बोलते हैं इसको, तप्पोकी तप्पोकी, चेक करना पड़ेगा मुझे। तप्पोकी ये राइस केक्स हैं और बस एक पैकेट है अंदर, जो भी सॉस है उनका उसका। तो मैंने 100 ml के आसपास पानी ले लिया है। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि बर्तन इतने गंदे हैं, गंदे हैं। इसका रीजन है ये जो हाई फ्लेम है ना, ये पूरी तरह नहीं जलती, ये येलो करके जलती है और ये येलो की वजह से ब्लैक हो जाता है पूरा, अंदर बाहर हर जगह। मैं आपको बताऊंगी बाद में। तो ये देखो मैं पूरे एक साथ ही डाल दे रही हूँ, पानी ज्यादा तो नहीं ले लिया मैंने, ऐसे लग रहा है मुझे। इसको मैं फुल पे कर दी हूँ। चाइना इतना सेफ है कि कुरियर डिलीवर करने के लिए लड़कियां भी आने लग गई, देखो आप।
यंग लड़कियां 15-16 साल की। मैं डाल रही हूँ इसमें ये सॉस, बहुत थिक है, ऐसे लग रहा है टोमेटो सॉस है बट ये चीज चिली सॉस है ये, और इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग लहसुन की स्मेल आ रही है। तो हम मिला देंगे अच्छे से, एकदम चिपके हुए हैं चावल, आई मीन चावल के केक। इवन बाबा इज इन द ऑफिस। ओह, चीज की स्मेल आने लगी है। ही इज नॉट इन द कार, ही इज इन ऑफिस। Baba is in office. He's not gone for test, you know. He will come back soon. Don't worry. Bubbles आने लग गए इसमें। Thicken करना है मुझे। मैंने full पे रखा है। ये देखो इवान कहाँ घुस रहा है फ्रिज के पीछे। इवान, come out, baby. Okay. तो मुझे क्योंकि extra spicy पसंद है, मैं ये Tabasco सॉस डाल रही हूँ इसमें। ये थोड़ा खट्टा और spicy होता है। पता नहीं कैसे बनता है बट इसमें साउर और स्पाइसी टेस्ट आता है, रेड चिलीज वाला। ये देखो आप, लिटरली मैंने बर्तनों में एक स्ट्रॉन्ग एसिड जैसा केमिकल है वो लगा के उस पर प्लास्टिक चढ़ा के रखा है। तो यही इंस्ट्रक्शन है, ऐसे ही ये कालिक जो है उतारते हैं। इवन दिस इज नॉट वर्किंग क्योंकि इसको मैंने 2 दिन रखा और इसको कल बहुत धोया मैंने, फिर भी जो टार है वो इतना सा ही निकला। फिर मैंने दोबारा उसमें एसिड डाला और दोबारा इसको 1-2 दिन के लिए रख रही हूँ ताकि पूरा निकल पाए। एसिड डालने के बाद भी मैं ब्रश से रगड़ती हूँ, जो मेटल वाली ब्रश होती है, तो भी नहीं उतरता है। काफी थिक हो गया है, चिपकने लगा है। मैं अब क्लोज कर रही हूँ गैस को और अब इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट में। कितना ग्लॉसी है ना। बहुत खट्टा और मीठा है, नॉट एक्सपेक्टेड मीठा। सच में इतना खट्टा मीठा होगा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे लगा था सिर्फ खट्टा होगा और स्पाइसी होगा। स्पाइसी भी है, इतना ज्यादा नहीं है क्योंकि चीज के वजह से उसका स्पाइसीनेस कम हो जाता है। राइस केक्स एज एक्सपेक्टेड बहुत च्यूई है। नहीं मैं तो इसी में खुश हूँ कि मुझे सुबह से कुछ खाने को मिल रहा है और इतना टेस्टी वो भी। इवान को भी भूख लगी है। मैंने 4 किस लिए लिया, चॉपस्टिक नहीं ली क्योंकि मैं ऐसे लेके खाना चाहती थी इस तरह से। काफी मीठा है बाय द वे। तो क्योंकि ओडिन का पक्का नहीं रहता कि वो ऑफिस से खा के आएगा कि नहीं, वो हमेशा आके ही कुछ ना कुछ फास्ट बना देता है। जैसे कि इस टाइप का मलाथांग जिसमें फिश बॉल्स होती है, बहुत स्पाइसी होता है, सब्जियां होती है, बहुत हेल्दी होता है। तो अभी वो यही कर रहा है, उसने कुछ सीजनिंग डाल दी है कढ़ाई में पानी के साथ, तो एक सूप जैसा क्रिएट कर दिया है। सब्जियों और फिश बॉल को अलग से बॉईल करना है। रेड चिली गार्लिक और धनिया का गार्निश ऊपर से डलेगा उसको स्पाइसी फ्लेवर देने के लिए। It's for you. Square? Square. Nice. You like square, huh? तो देखो जल्दी जल्दी में सब कुछ मिला के अब बना दिया गया है। ये कितना हेल्दी लग रहा है, थोड़े बहुत नूडल्स है लेकिन मोस्टली इसमें फिश बॉल्स, सब्जियां हैं, गार्लिक चिलीज यही सब है, उससे फ्लेवर आ रहा है। और सीजनिंग पाउडर्स डाले थे ओडिन ने, उससे पूरा फ्लेवर आ गया है। इसमें श्रिम्प नजर आ रही है, श्रिम्प है। ये नॉर्मल फिश बॉल्स है, ये मीट वाले बॉल्स है। हजारों फ्लेवर एक ही पतीले में मिल जाएंगे। तो गाइस मैं आपको बस दिखाने के लिए खा रही हूँ यहाँ पे थोड़ा सा। ये सब्जी जो है, जो बक चॉय बोलते हैं जिसको, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है ऐसी डिशेज में जो पानी वाली डिशेज होती है, और बहुत स्पाइसी, जितनी अच्छी दिखने में लग रही थी उससे बेटर उसका टेस्ट था। एक भी फ्लेवर मिसिंग नहीं था इस डिश से। तो आज के लिए इतना ही गाइस, आपसे मिलती हूँ मैं बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ। आप में से जो हमेशा वीडियोस देखते हैं प्लीज सब्सक्राइब भी कर दो इस बार, और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।